नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की अध्यक्षता में मधुमेह रोगियों के अध्ययन के लिए रिसर्च सोसाइटी का नौवां वार्षिक सम्मेलन होटल शान एलिजी में आयोजित हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज में डॉक्टरों की प्रतिष्ठा अच्छी है। जब डॉक्टर अच्छा काम करते हैं तो समाज हजारों आंखों से देखता है, तभी तो लोग भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को मानते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में ही मधुमेह रोगियों के साथ अन्य बीमारियों का ब्लड सैंपल लेकर उसकी डायग्नोसिस करें ताकि समय पर बीमारी का पता चल जाए और इलाज हो जाए। आज के युग में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज न हो सके। डायबिटीज की गंभीर बीमारी से जुड़े हुए इस प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में आज हिस्सा लेने का मुझे मौका मिला और मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। और तीन दिन के इस कॉन्फ्रेंस में क्या बेहतर किया जा सकता है इस बीमारी के रोकथाम के लिए और इसके इलाज के लिए, इस पर यहाँ विचार विमर्श बहुत ही एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में और सब हेल्थ सेंटर में काम करने वाले डॉक्टर्स को भी बुलाया गया है, जिससे वो भी जानकार हों कि इनिशियल स्टेज में किस तरीके से वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हुए इस बीमारी के प्रति लोगों को सजग करना है, उनको अपनी खून की जांच कराते रहें इसके बारे में जागरूक करना है और उनको हेल्थ कार्ड दिया जाए इसकी व्यवस्था करनी है। तो कुल मिला के इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस डायबिटीज़ जैसी गंभीर बीमारी को रोकने के लिए और उसके बेहतर इलाज के लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। थैंक यू सर।